नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। तो थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब जो क्लासेस हैं ये आपकी जेल वार्डन के रिगार्डिंग होगी और इसमें हम केवल और केवल एमसीक्यू पर बात करेंगे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस तरीके से हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ईजी भी क्वेश्चन नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और बड़े प्यार से हम क्वेश्चनों को करते चलेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू की क्लास होगी और आपको क्या है कि सभी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ठीक है। किस तरीके से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे गए थे उनके आधारित, और क्या है कि हम यहाँ पर इस सीरीज को आप कंप्लीट करते रहे, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और क्वेश्चन को उनको जांच रहा तो खुद क्वेश्चन को करें, ठीक है। और मैं आपको पूरी सीरीज करा दूंगा रीजनिंग की, मतलब कई सारे लेक्चर करा दूंगा और आप लोग उनको डेली पढ़ें उन्हें देखें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं क्वेश्चन लगा देता हूं पहला आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, पहली बात तो यह है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक चैप्टर को लेकर आएंगे। अब ये क्या है, एमसीक्यू सीरीज होगी तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो कहीं से भी रिलेटेड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल केवल डाइस का ही क्वेश्चन होगा या फिर केवल सीरीज का ही क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बस आप क्या करें। देखो, पढ़ तो आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। जेल वार्डन का आपका एग्जाम है तो ये समझ लो आपने स्टडी की भी होगी और बहुत टाइम से आप पढ़ भी रहे हैं। तो आप अपने आप को यहाँ पर देखें, ठीक है, किस कितना आपने पढ़ रखा है और किस तरीके की चीजें आती हैं, और अपना यहाँ पर रिवीजन करें, ठीक है। और मैं अलग से भी इसकी मॉकसेट कराते रहूंगा आपको, ठीक है। डेली आपको क्लास मिलेगी जेल वार्डन की और यहाँ प्लेलिस्ट में ही आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं और मैं पहला क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है भैया। तो ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप इसका आंसर दीजिएगा किस तरीके से इसका आंसर देना होगा, ठीक है। और ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया है कि नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक या एक से अधिक रिक्त पद है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे रखा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जो कि आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है और आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। चलो देखते हैं किस तरीके से करना होगा हमें। यानी कि 100 और कॉमा लगा रखा है 115, फिर यहां पर ये दे रखा है इसने क्वेश्चन मार्क, और आगे 150, 170 और 185, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको क्या देखना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान को क्या आएगा यहाँ पर बताना है कि क्या आने वाला है। तो देखो, मैं आपको इन चीजों में, देखो हम सारी चीजें देखते जाएंगे, फैक्ट वगैरह देखते जाएंगे किस तरीके से हमें करने होते हैं ये क्वेश्चन। और चैप्टर वाइज जो क्लासें आपकी चल रही हैं आपने देखा होगा प्ले लिस्ट में जाइएगा आप, उसमें रीजनिंग का सिलेबस लिखा होगा पूरा, एक प्ले लिस्ट बनी होगी रीजनिंग के नाम से, उसमें सारी क्लासें आपकी प्रॉपर चल रही हैं, आप उनको भी देखें, ठीक है। काफी अच्छे लेवल से क्लासें चल रही है, तो यहाँ पर आप देखें कि हमें किस तरीके से करना है। तो देखो, अगर हम यहां पर इनमें देखते हैं तो इनमें क्या है कि 15 प्लस हो रहा है, और जब इसमें 15 प्लस हो रहा है तो आप एक बात समझो, आगे तो आप देख ही नहीं पाओगे कि यहां पर हमें क्या प्लस करना था। तो जब आपको कम से कम, मतलब पैटर्न लगाने के लिए कम से कम दो तो हमें ऐसे स्टेप चाहिए जो हमारे प्रॉपर फॉलो करें, ठीक है। और यहां पर ही एक स्टेप फॉलो हो रहा है, दूसरा वाला स्टेप फॉलो हो ही नहीं रहा। मान लो यहां पर हम 15 प्लस करके देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम पता ही नहीं है कि इसमें प्लस करें, तो हम इस क्वेश्चन को किधर से करने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे भैया पीछे से करेंगे कि कम से कम कितने हो, दो तो स्टेप हो ही जिनपे हम अपनी लॉजिक लगा सकें। तो यहां से आप लगाइएगा इसमें कितना प्लस हुआ है, यानी कि 70 से देखा होगा तो 85 में जब हुआ होगा तो कितना प्लस हुआ है, 15। और आप ये देख रहे हो कि यहां से इनमें कितने का डिफरेंस है, 20 का, और यहां पर कितने का होना चाहिए, यहां पर कितने का होना चाहिए, यहां पर डिफरेंस होना चाहिए भैया कितने का, 15 का होना चाहिए। और जब इनमें 15 का डिफरेंस है तो इन दोनों में कितने का होना चाहिए, 20 का, और इन दोनों में कितने का होना चाहिए, 15 का। तो आप देख पा रहे हो यहां से कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 15 का, इसमें कितने का होगा, 20 का। जब इसमें 20 का होगा तो यहां पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 135। कितनी आने वाली है, 135। और जब यहां 135 आएगी तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, पहले कितना प्लस किया है 15, फिर 20, फिर 35 हो जाएगा। यहां पर 135 में प्लस 15 करेंगे तो 150, फिर 20, फिर 15, यानी कि 15 20 15 20 का पैटर्न चल रहा है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, ठीक है, ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपको इनके जो लेटर है इनके अल्फाबेट के नंबर पता होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको इनके अल्फाबेट के नंबर न्यूमेरिक वैल्यू याद होगी। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरीके से करना होगा। तो इसमें दिया है इसने ए ई आई, और नेक्स्ट दिया है बी ई एफ, और इसके बाद दिया है सी जी के, और इसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में, तो ये सारे क्वेश्चनों को हम देख लेंगे। ठीक है, अब यहां से मैं करना कैसे, तो आप समझेंगे कि देखो ए से बी हो गया कितना बड़ा प्लस वन, और सॉरी यहां पर एफ है ये, ठीक है, और ई से एफ हो गया कितना बड़ा प्लस वन, और आई से क्या हो गया, आई से यहां पर भी ये जी दे रखा है, गलत टाइप कर दिया मैंने, ठीक है, यहां पर कितना दे रखा है जे दे रखा है, और सी जे के बाकी सारा कुछ सही है। और यहां पर अब ये देखेंगे तो हम आई को जे किया कितना प्लस किया है, एक प्लस किया है। अब ऐसे ही अगर आप यहां से इधर चेक करेंगे तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, बी से सी हो रहा है, एफ से जी हो रहा है, और जे से के हो रहा है, यानी प्लस वन हो रहा है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट और आगे जो बनेगा वो किस तरीके से रहने वाला है, इसमें भी आप एक प्लस वन कर दो, यानी कि सी का क्या हो जाएगा डी, और जी में आप प्लस वन कराएंगे तो कितना हो जाएगा एच, और के में आप प्लस वन करोगे तो कितना हो जाएगा एल, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका डी एच एल, और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं, और आपको करने के लिए ना विद इन 5 सेकंड में आप इनका आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये सब इतना थोड़ी नहीं करना है आपको, तो डायरेक्ट देखना है ए से बी हो रहा बिना एक प्लस हो गया, ई से एफ हो रहा है एक प्लस हो गया, आई से जे हो रहा एक प्लस हो गया, और आगे जब देखते हैं तो बी में एक प्लस हो रहा है यानी सी हो गया, एफ से जब जी बन रहा है तो एक प्लस हो रहा है, जैसे कि एक प्लस हो रहा है, प्लस वन वाली सीरीज है, आपका ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा आपका आंसर, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें बस फर्क इतना उसमें क्वेश्चन मार्क वाला का प्लेस पता करना था कि हमारे इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, और यहां पर हमें पता करना है क्या कि इसमें जो रॉन्ग एक गलत नंबर लिखा हुआ है, गलत नंबर का मतलब यह है कि जो इस सीरीज का जो पैटर्न है, इस सीरीज का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर सवाल नहीं दे रहा, उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई पद है इसके अंदर जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको बताइएगा वो कौन सा पद है इसका। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसने दिया है 67 55 26 13, 67 55 26 13, आप लोगों को इसमें देख के बताना है, 26 13 पांच और है भाई ये लास्ट में, इसमें देख के बताना है कि कौन सा ऐसा लेटर सॉरी कौन सी ऐसी संख्या है जो इस पैटर्न को फॉलो ना करेगी। ठीक है, तो करना कैसे है, तो आप एक बात समझेंगे कि देखो मैं यहां पर चीजें बताता जाऊंगा किस तरीके के सवालों को किस तरीके से किया जाता है, और बाकी अगर कोई चैप्टर ही आपने कभी नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग में कंप्लीट रीजनिंग, उस पर जाइए, और उसमें टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ तो एक दो चैप्टर हो जाएगा जब तक आप उन्हें कंप्लीट करें। ठीक है, तो जब इस तरीके की सीरीज हो कि जहां पर बड़ी संख्या हो वहां से इसका भी शुरू नहीं करते, जहां पर छोटी संख्या हो हमेशा वहां से शुरू करेंगे, और वहां से हम पैटर्न बनाने में हमें आसानी होती है। तो आप यहां समझ रहे हो कि यहां से तो हो रहा है ये 8 प्लस हो रहा है, कितना 8 प्लस हो रहा है, और 8 के बाद आप यहां देख रहे हो कि ये 13 में ही 13 प्लस हो रहा है, 13 में 13 प्लस हो रहा है, यानी कि एक तो पैटर्न है ही है जो नॉर्मल पैटर्न, और उसके बाद इसमें 1 प्लस 5 का और पैटर्न चल रहा है, किसका चल रहा है प्लस 5 का। तो अब आगे जो बढ़ के आएगा जो आंसर आपका, यहां पर अब आगे क्या आने वाला है,
अब इसमें आप कितना जोड़ोगे, तो प्लस पांच इसमें जोड़ लो, प्लस पांच जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 18। समझ रहे हो इस चीज को? तो देखो इसमें हमने आठ, इसमें आठ का पैटर्न है, फिर इसके बाद क्या किया, आठ में पांच जोड़े 13 का पैटर्न, अब 13 में पांच जोड़ेंगे 18, और जब 26 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा 44, कितना आएगा 44, और 44 में आपको कितना जोड़ना है 18 में पांच जोड़ दो, 18 में पांच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, वही 18 में आप पांच जोड़ोगे तो कितना होगा 23 होगा, और 23। अब आप एक बात समझो कितना जुड़ेगा इसमें, प्लस पांच यहां पर लिख दो और यहां लिख दो कितना 23, ठीक है। अब 23 आप देख सकते हो कि भाई यहां पर अगर 44 होता, यहां पर कितना होता 44, 44 और 23 कितने होते हैं 67, 44 और 23 ही तो 67 होंगे। यहां पर जो 55 दे रखा है, यहां पर जो 55 दे रखा है ये, इसकी जगह कितना आता 44, 44 आता तो सीरीज कैसी होती 67 44 26 13 5, ये सीरीज होनी थी। इसमें क्या किया है 44 की जगह कितना फिल कर दिया 55, तो ये भी आपका आंसर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें गलत पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है आपका डी, ऑप्शन है आपका डी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपका इतना इजी है कि आप इसको देखते ही आंसर दे देंगे, और 5 सेकंड की तो बात ही क्या है कि आपको देखने ही, जितना टाइम देखने में लग रहा है उतना ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, आप इसको देखते ही आंसर कर देंगे। तो आप समझ रहे हो यहां पर देख का झूठ कॉटन और वूल, और हमें पता है कि ये अभी ये तीन दे रखे, झूठ दे रखा है, कॉटन दे रखा और दे रखा वूल, तो आप बता सकते हो इनमें कि ये क्या है, ये प्राकृतिक रेशे हैं। और इसी तरीके से अगर ऑप्शन में देखें तो नायलॉन और ट्राइलेन और रेयॉन, इसका मतलब जो सिल्क है, सिल्क क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिल्क क्या है एक प्राकृतिक रेशे में आती है, तो इसका मतलब ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप इसको देखते ही आंसर कर देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और आप कोशिश भी कर रहे होंगे क्वेश्चन करने की। तो आज की क्लास में बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं रखे मैंने, क्योंकि पहली क्लास है, ठीक है। आप जुड़े रहें, आपको अच्छे अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें दे रखा है 243 और ये 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बोला गया है कि समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से निम्न दिया गया शब्द या संख्या ज्ञात करें, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है आपको ये पता करनी है, तो आप इसे किस तरीके से पता कर पाएंगे। देखो यहां से 3 को लिखा गया 243, तो आप 5 को कितना लिखेंगे, आप कह सकते हो सर ये 3 की पावर 5 है, और इतनी वैल्यू आप जब मैथ पढ़ते हैं तो आपको 3 की पावर 5 का तो कई बार आप यूज कर चुके होते हैं, और आपको ये क्या है कि ये आपको एक तरीके से कहते हैं ना कि रट गई ये संख्याएं, तो एक तरीके से उसी को मान लो कि ये आपको बहुत ज्यादा यूज में रहती है, तो ये 3 की पावर 5 का ही मतलब होता है कितना 243। ऐसे ही अब आप ये कह सकते हो सर, ऐसे ही यहां पर अब हम कहेंगे 5 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 3125, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आंसर है आपका सी, ठीक है। तो ये आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जिलवाड के, आप देख ही रहे हो, लेकिन हम जो एमसीक्यू करेंगे तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ज्यादा ना देखें, एक एक बार तो मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो को आप देखें, और उनमें क्या है कि देखो हर चीज हर लेवल के सवाल हैं आपके, क्योंकि जिन चीजों को हम, अब देखो यहां पर की मैं अगर इस सेशन की बात करूं तो इसमें हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसमें वही क्वेश्चन तो ले सकते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें मन, जो मन करे वही क्वेश्चन लगा दो, तो हम यहाँ पर तो केवल उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे आए हुए क्वेश्चन है। जब हम एमसीक्यू अपनी तरफ से लगाएंगे मुकेश वगैरह, तो तब जाके हम क्वेश्चनों को का लेवल और बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिलहाल प्रीवियस वालों पे ही फोकस कराएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कहाँ गया अभी,
है, अब आ गया ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन, अच्छे लेवल का भी है, और इतना भी नहीं है कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बताइए आपको कि क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होने वाली है। और फिलहाल अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें रह रही है तो मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट की जितनी भी क्लास में उसमें कराओ उन क्लासों को कंप्लीटली देखे तो आपको कभी भी रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो तिरखा है, इसने क्वेश्चन दे रखा पर्ल मीनार, पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है, पर्ल मीनार जो है वो स्काई ऊंचार सॉरी स्काई मीनार से ऊंची है, लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी है, यूनिटी मीनार तथा साइबर मीनार की ऊंचाई समान है, पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है, इन इमारतों में से दूसरी सबसे छोटी मीनार कौन सी है। चलो करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से करना रहेगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब छोटे बड़े का पैटर्न क्या रखना होता है, जैसे कि हम ये कहें, मैं आपसे वो यहाँ पर फाइनली बता दे रहा हूं, मैं ये कह दूं ए बी से बड़ा है तो ए किससे बड़ा है बी से, तो मैं इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करता हूं कि जो बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा। अब क्वेश्चन में बनता है कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ए बी से तो बड़ा है तो बी के ऊपर रखते, लेकिन सी से छोटा है तो सी को सी के नीचे रख दिया। इस तरीके के पैटर्न के सवाल रहने वाले हैं, तो अब आगे हम बात करते हैं भैया। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे इन क्वेश्चनों पे। ठीक है, तो चलो करते हैं। पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है, यानी कि पर्ल, ठीक है, पर्ल मीनार किससे ऊंची है, ये ऊंची है भैया आपकी स्काई मीनार से, तो आप क्या करोगे स्काई को रख दोगे नीचे, स्काई मीनार, पर्ल मीनार ऊंची हो गई, इससे ऊपर रख दी हमने, ये किससे ऊंची हो गई स्काई मीनार से ऊंची है, लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी है, लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी का मतलब है कि जो पर्ल मीनार है, इस क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट देखेंगे, पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी है, तो यूनिटी इससे क्या हो गई, यूनिटी मीनार हो गई इससे बड़ी, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी मीनार हो गई इससे बड़ी, पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है लेकिन यूनिटी से नीचे है। और आगे बोला गया है यूनिटी मीनार और साइबर मीनार की ऊंचाइयां समान है, तो यूनिटी के ही बराबर कौन सी है, साइबर, यूनिटी के बराबर कैसी है, साइबर मीनार है बराबर की। और आगे बोला है पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है, तो देखो पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी का मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना, पर्ल मीनार ये किससे छोटी है, इंडस से, तो कहने को तो देखो हो सकता है कि इंडस आपकी यहां भी आ जाए, इंडस, और हो सकता है कि इंडस यूनिटी और साइबर के बीच में हो, एक ही बात है, दो ही जगह होंगी इसकी फिक्स, यानी कि या तो इंडस वाली जो मीनार है वो इंडस यहां आ जाएगी, और या देखो इंडस के बारे में बस इतना ही स्टेटमेंट दिया है इंडस कि इंडस मीनार से छोटी है जो पर्ल मीनार है। अब देखो पर्ल मीनार जब इंडस से छोटी है तो ये तो कंफर्म है कि पर्ल से पर्ल वाली जो मीनार है उससे ऊपर ही आएगी। अब ये इस क्वेश्चन में नहीं बताया कि जो इंडस है वो यूनिटी या साइबर से छोटी है या बड़ी है, तो हम इसको क्या करेंगे, या तो हम ये इंडस यहां आएगी या फिर इंडस सबसे ऊपर आएगी। अब ये डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन इमारतों में से दूसरी सबसे छोटी मीनार कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी कौन सी, दूसरी, तो आप एक बात बताओ सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है कौन सी, स्काई, ये पहली है सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटी दूसरी वाली कौन सी होगी, पर्ल मीनार, सबसे छोटी पहली ये होगी और दूसरी कौन सी होगी, पर्ल मीनार, इसका मतलब आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाँ आ गया, देखिए करिए आप इसको, दीजिए इसका आंसर कमेंट में, कमेंट पर करें इसका आंसर। कमेंट में करेंगे ये इसका आंसर।
चलो देख लेते हैं इसको किस तरीके से करना होगा। अवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। इसका मतलब क्या है कि इसने ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन चारों ऑप्शनों में आपको करना क्या है, पहले दिन का क्रम बनाना है, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम बनाना है कि जिस तरीके से एक्चुअल में किस तरीके से होने चाहिए थे, और उसके बाद इनमें डिफरेंट चुनना है कि इनमें सबसे अलग है कौन सा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, और आपको ये वाले पेपर में जितनी भी रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, मैं ये कह सकता हूं कि आपको हटकर कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और मेरी जो प्रॉपर क्लास चल रही है उनसे तो आपको बिल्कुल ही हेल्प मिलनी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए हो सकता है, क्वेश्चन में डिजिट अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन पैटर्न इसी तरीके से होगा। तो इसमें दिया है, ये देखो पहला ऑप्शन जो दिया है इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। तो यानी कि ई ए आर एस यू क्यू दे रखा है, ई ए आर एस यू क्यू दे रखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। मैं छोटे में लिख देता हूं स्क्वायर। ठीक है, मैंने लेटर चेंज कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, स्क्वायर, चलो बड़े से लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर, और जब ये आपका स्क्वायर हो गया तो अब दूसरा वाले को देखो, तो दूसरा वाला हो जाएगा पॉलीगन। क्या हो जाएगा? पॉलीगन। और तीसरा वाला हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, और चौथा वाला हो जाएगा आपका ग्रेटनेस। और इसका मतलब आप यहां देख रहे हो कि ये स्क्वायर और पॉलीगन और ये रेक्टेंगल है, ये क्या है बताइए? ये एक लाइन से बनी हुई आकृति है। ठीक है, और जब ये लाइन से बनी आकृति है तो जो, और हमारा जो ग्रेटनेस है यानी कि जो महानता है, जो ये ग्रेटनेस है भैया, जो मैं आपको बता रहा हूं महानता, ठीक है, महानतम होना यानी ग्रेट होना, तो ये चीज है, इससे क्या है? ये अलग है बिल्कुल। अभी क्यों अलग है? क्योंकि ये तो एक रेखा आकृति है, ये तीनों क्या है, रेखा आकृति है, और ये ग्रेटनेस क्या है, ये बिल्कुल अलग है इससे, ये एक महानता है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ये। ठीक है, और आपको बताने होंगे किस तरीके से इनमें आंसर देना होगा। ठीक है, चलो देखो कि पहला ऑप्शन दे रखा है इसने कि फुटबॉल, हॉकी, शतरंज और बेसबॉल। फुटबॉल, हॉकी, शतरंज और बेसबॉल, तो इनमें बस बताना क्या है आपको, एक ऐसा युग्म, एक ऐसा पेयर, यानी कोई ऐसा वर्ड, अगर पेयर में बात है तो पेयर की बात होगी, कोई वर्ड की बात है तो वर्ड की बात होगी। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि डिफरेंट बताना है, भिन्न है वो कौन सा वाला है। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें दे रखा है एक तो फुटबॉल, फुटबॉल बॉल से खेला जाता है और आउटडोर गेम, ठीक है, बाहर खेला जाता है, ग्राउंड में खेला जाता है, और दूसरा दिया है इसमें हॉकी, हॉकी भी आउटडोर गेम है, और बेसबॉल की अगर बात करें तो ये भी क्या है, एक आउटडोर गेम है, यानी कि दोनों बाहर खेले जाते हैं, और शतरंज क्या है, एक इंडोर गेम है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी, और जिसका है कि शतरंज। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 89 और 84, सॉरी 64, 8 और 36, 6 और 49 और 7। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया है 80 से 9, और दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें भैया आपका 64 से 8, और तीसरा ऑप्शन दिया है भैया आपका 36 से 6, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका 49 से 7। तो जुड़े रहे, अच्छे भी क्वेश्चन आने वाले हैं अभी आपके। ठीक है, तो इसमें देखना है डिफरेंस कौन सा है। तो भैया आप एक बात बताओ, यहां से ये 7 का वर्ग हो रहा है 49, ये 6 का वर्ग हो रहा है 36, ये 8 का वर्ग हो रहा है, 8 का वर्ग हो रहा है 64, तो यहाँ पर 9 का वर्ग होना चाहिए था, ये क्या थी, ये 80 क्यों है? इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। आंसर क्यों हो जाएगा, ए डिफरेंट ऑप्शन है इन तीनों के अलावा, इन तीनों से अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
मतलब ये समझो इतने इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अब की बार नहीं आने वाले। अब की बार लेवल और हाई आने वाला। हर बार का हिसाब रहता है कि भाई पेपर में हर बार जितनी भी चीजें इस बार आएंगी, अगली बार जो पेपर होगा वो उसमें कुछ ना कुछ लेवल इंक्रीज होके ही आता है। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है? पढ़ाई में लॉकडाउन ना लगा दें, लॉकडाउन चल रहा है तो, ठीक है? हाँ, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीई, और इनमें ही आपको छांटना है। बी ऑप्शन दे रखा है इसमें ही आपका एक्स डब्लू, और सी ऑप्शन दे रखा है आपका भैया 36 ओ एंड, और ऑप्शन डी है आपका एच जी। तो आप इसमें बताइएगा आंसर कौन सा होगा, जल्दी से फटाफट, जल्दी से आंसर करें कमेंट में, फटाफट आंसर करें भैया, जल्दी से आंसर करें। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, तो आप समझें इस चीज को किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां से आप समझो ये क्या है, ये एक्स यानी कि 24 और डब्ल्यू यानी कि 23, यानी कि ये 24 और ये आपका 23, और 23 और 24 को हम देखें, ये 24 रही है, ठीक है? 24 और 23 को देखें तो कितना प्लस है, उल्टा प्लस हो रहा है बन, उल्टा प्लस हो रहा है, उल्टा प्लस बन हो रहा है, इधर से लिख देता हूं। और जब ये उल्टा प्लस बन हो रहा है तो इसमें आप देखें कि इधर से जी से एच हो रहा है, यानी 7 से 8 हो रहा है, इधर भी तो उल्टा प्लस हो रहा है। चलो 14 से 15 हो रहा है, इधर भी उल्टा प्लस हो रहा है, लेकिन ये 5 से 4 हो रहा है, यहां पर -1 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यानी कि यहां -1 हो रहा है अभी, और यहां सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहां भी +1 हो रहा है, और इसमें भी उल्टा चल रहा है हम 7 से 8, 23 से 24, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए आप इसका आंसर करिएगा। चलो क्वेश्चन में बोला गया है, यदि राहुल यह पाता है कि, यदि राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां है, लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां है तथा बाईं ओर से चौथा है, दाएं से है 12वां और बाएं से है चौथा, और इसने बोला उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि टोटल बॉयज का जो नंबर है वो 28 हो जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में, कि जैसे कि ये होती है हमारी एक रो, रो यानी कि पंक्ति, और इस पंक्ति का ये होता है राइट छोर यानी कि दाया छोर, और ये होता है इसका बाया छोर यानी कि लेफ्ट यानी कि बाएं। ठीक है, और अब हमें करना है क्वेश्चन किस तरीके से बोला उसी तरीके से करेंगे। तो इसने बोला है वह एक बाएं दाएं ओर से 12वां, तो दाएं छोर ये होगा, और यहां से मान लो कि 12वीं सीट पर वो जो कौन है, राहुल है, राहुल 12वीं सीट पर यहां बैठा है, और इधर से देखी जा रही है तो ये सीट कितने पर है, चौथी पर है। इसका मतलब यहां पर ये वाली जो सीट है ये 12वें भी काउंट है, ये 4वें भी काउंट है, यहां तक 12 बैठे हैं इस 12वीं सीट को लगा के, यहां तक 4 बैठे हैं चौथी सीट को लगा के, यानी ये वाली सीट 12 में भी काउंट हो रही है और 4 में भी काउंट हो रही है। तो जैसे कि हमें एक बात बोला कि ये पंक्ति है, यहां पर कोई ए खड़ा है, इधर से वो है 5वां, और इधर से कितना है, इधर से भी 5वां, कुल कितने हो जाएंगे आप बताइए, कुल 5 और 5 10 थोड़ी नहीं हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ए को आप 2 बार गिन रहे हो, दाएं से भी ए का नंबर 5 ले रहे हो, बाएं से भी ए का नंबर 5 ले रहे हो, 10 नहीं होंगे, कितना होगा, एक कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि तो ए 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार तो बाएं से भी और एक बार दाएं से भी, दोनों में जब काउंट हो रहा है तो इसका मतलब आंसर आएगा 9। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कैसे करने वाले हैं, तो देखो जो राहुल की जो सीट है, राहुल की जो सीट दे रखी है वो दाई ओर से 12वीं और बाई ओर से चौथी है, जब दाएं से 12 और बाएं से चौथी है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, टोटल निकाल लेंगे हम, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 12 से 7 कितने हो गए, 16, 16 हो गए, लेकिन हमें इसमें से कितना करना है, एक कम करना है, कितने आएंगे टोटल, यानी कि पंक्ति में टोटल है 15, और हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 28, और टोटल पंक्ति में कितने हैं 15, तो हमें जरूरत कितने की और हो रही है, 13 की, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 तो हमारे पास है, अगर 28 करने हैं तो 13
इसमें अलग से बिठाने पड़ेंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा। और मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, एक निश्चित कूट में क्लियर को एस डी एफ एम डब्ल्यू और इसको बी ओ एन डी एस को लिखा जा रहा है टीईओ पी सी, इसी कूट भाषा में स्टाइल को कैसे किस तरह लिखा जाएगा, तो आप यहां से समझ रहे हो क्लियर सी एल ई ए आर इसको लिखा जा रहा है। क्या लिख रहे हैं आप इसको, इसमें बोला है इसने कि एस बी एफ एम डी, तो आप समझ रहे हो यहां से कि आर एस प्लस वन ए बी प्लस वन ई एफ प्लस वन एल एम प्लस वन सी डी, यानी कि पूरा पैटर्न किसका रह रहा है, प्लस वन का पैटर्न रह रहा है। आगे वाले को चेक कर लो, यानी बी ओ एन डी एस इसका पैटर्न क्या है, इसको ये कह रहा है कि टी ई ओ पी सी, तो आप समझ सकते हो यहां पर कि एस टी प्लस वन डी ई एन ओ ओ पी बी सी, यानी कि पूरा का पैटर्न किस में रह रहा है, प्लस वन में रह रहा है। तो आपको क्या लिखना है, एस टी ए एल ई इसको लिखना है, तो ई का क्या लिखेंगे आप, एफ, ई का एफ और एल का एम, आप देखो कोई ऑप्शन है, और इसी में इतना ही करना होता, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं करना होता, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन में देख लो पहला एफ किस में आ रहा है, तो ऑप्शन में एफ पहला बी ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बाकी आप इनमें प्लस करके देख सकते हो, या ई से एफ, एल से एम, ई से क्या होगा बी होगा, और टी से क्या होगा टी यू होगा, और एस से क्या होगा टी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन तो केवल और केवल एक लेटर से करने से हो रहा है, बस यहाँ आपको यहाँ पर पैटर्न देखना था, ये सब नहीं करना है, देखते ही आंसर हो जाएगा। केवल और केवल हमें देखना आर एस ए बी ई एफ, इस तरीके से जब हम देख लेंगे तो फाइनली अपने क्वेश्चन पे आएंगे, तो डायरेक्ट आप क्या देखोगे, ई का आएगा एफ, एफ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये चीज क्वेश्चन करने का तरीका है कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है, एफ ऑप्शन में है, एफ एफ केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में, तो आपको और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है और ना पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत है, आपका आंसर ही हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां पर ये आकृति वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सी आकृति अलग है वो देखनी है, तो आप एक बात समझो, हर आकृति में ये लाइनें दे रखी हैं, ठीक है। आप एक बात समझो कि पहली बारी आकृति ऐसी है जिसमें एक दो तीन चार, पहली बारी आकृति में ही ये चार चीजें एक दो तीन चार, ये यहीं पर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा आपका, यहीं सॉल्व कर लेंगे आप इसको, तो इस क्वेश्चन को आप यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि यहां पर क्या हो गया कि इसमें यहां पर देखो, ठीक है, कॉपरेट का बोर्ड मेरा छोटा है, ठीक है, तो यहां पर आप समझ रहे हो कि एक दो तीन चार, हर किसी में ये चार ये दे रखे हैं और ये ऊपर एरो है ही आपका, तो आपकी अदर जितनी भी हैं इनका रोटेशन क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे भाई, रोटेट क्या तरीके से हो रही है, लेकिन ये चीज को देखने से पहले आप ये समझें कि इसमें जो एक्स्ट्रा डिजाइनिंग की जा रही है, जो दे रखी है डंडे से बना के, तो ये इसमें चार दे रखे हैं, अदर वाली जितनी भी है इसमें तीन दे रखी है, सभी में तीन है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें भैया कि ऐसे क्वेश्चनों को आप रोटेशन पे ले जाते हो, लेकिन इनमें क्या कि एक्स्ट्रा चीजें भी देखी जाती है, जो कि इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाली जो लाइनें दे रखी है इसके अंदर, इनको बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, ठीक है, इनको क्या करें, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इनको भी देखें कि जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा इनमें आकृति बनाता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा लाइनें वगैरह बनाता है, इनको बहुत ज्यादा, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चनों को देखने के बाद। पर रोटेशन की अगर बात करें तो रोटेशन इतना कठिन नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री को रोटेट करता है, 90 करता है आकृतियों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 270 भी करेगा तो वो तो आप मल्टीपल में ही करता रहेगा इनके आपस में रोटेट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया, ये हो गया। देखो किसने बोला है, एक विशिष्ट कोड में चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चिड़िया, चूहे को बिल्ली, चूहे को बिल्ली, और बोला गया है बिल्ली को चिड़िया, ठीक है, बिल्ली को चिड़िया और चिड़िया को हाथी, चिड़िया को हाथी, बहुत अच्छा मजा बना रखा है चिड़िया को हाथी और हाथी को मछली, हाथी को मछली और मछली को चूहा, मछली को चूहा, इस तरीके से बोला गया है। और बोला गया है इनको चूहा कहा जाता है, तो बताएं कि आकाश में कौन उड़ेगा भाई, आकाश में कौन उड़ेगा, कौन उड़ेगा बताओ, आकाश में कौन उड़ेगा। तो नॉर्मल है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो फाइनल आप उस पे चले जाओ, उसने पूछा क्या है, पूरी थोड़ी छोड़ दो, देखते ही पता चल जाएगा पहली लाइन से कि विशेष कोड में चूहे को बिल्ली, यहीं से पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला है, तो तुलनात्मक वाला है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि लोगों की तुलना कर देता है एक दूसरे से, तो हम समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो फाइनली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप वहां पहुंचे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, और जब आप देखेंगे कि ये पूछ क्या रहा है, तो आपको पता चल जाएगा आकाश में कौन उड़ेगा, तो आपको यही देखना है। तो आप देखो, अब आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आकाश में पक्षी ही उड़ते हैं और इसमें पक्षी कौन है, चिड़िया, तो आकाश में कौन उड़ेगा, आकाश में डेफिनेटली चिड़िया उड़ेगी, लेकिन अब यहां पर चिड़िया नहीं उड़ सकती, क्योंकि अब चिड़िया आप किसे कहोगे, हाथी को, तो आकाश में उड़ेगा कौन, हाथी उड़ेगा, समझ रहे हो, हाथी उड़ेगा आकाश में, तो आकाश में हालांकि उड़ती चिड़िया है, लेकिन चिड़िया को हम हाथी कहेंगे, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या देंगे कि आकाश में भाई उड़ती तो चिड़िया है, लेकिन चिड़िया को हम क्या कह रहे हैं, हाथी, तो अब कौन उड़ेगा, हाथी, ये आपका आंसर हो जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, सारी चीजें बहुत बढ़िया लेवल से होने वाली है। किसी कुट भाषा में 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, 415 का मतलब मिल्क इज, मिल्क इज हॉट। दूसरा दिया है 18 का अर्थ है 80 हॉट 100, ठीक है। नेक्स्ट 895 सूप इज टेस्टी, सूप इज टेस्टी, तो बस यही पूछा गया है कि भाई आप लोग बता दीजिएगा कि इसमें जो टेस्टी का शब्द को कौन सी संख्या रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको कुछ नहीं देखना होता है इनमें, केवल और केवल एक कंपैरिजन वाले सवाल है, आपको बस मैच करना है किसमें क्या दे रखा है और किसमें क्या दे रखा है। आप दिन क्वेश्चन को, हर इस तरीके के क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर कर सकते हो। सबसे पहले आप टेस्टी देखो ना, क्या दिक्कत है, टेस्टी वाले को देखो भाई, टेस्टी का चाहिए तो टेस्टी को देखो। अब इसमें टेस्टी के बाद तीन संख्या है, ठीक है, अब इसके बाद टेस्टी में अगर हम देखें तो इसके नंबर पे आ जाओ, इस यहां दे रखा है, इस यहां दे रखा है, तो इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन है, तो डेफिनेटली क्या हो गया भाई, इन नंबरों को देखेंगे, जो नंबर यहां आ रहा, अगर वो नंबर यहां आ रहा, तो इन दोनों में कोई ना कोई संख्या कॉमन आएगी। यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, दोनों में क्या कॉमन है, इज कॉमन है, तो ये तो पता चल गया 5 का तो हो गया इज। आगे अब इसमें 5 कंप्लीट होगा, अब 9 पे आ जाओ, 9 कहीं है, बिल्कुल नहीं है, 8 है, अब 8 यहां दे रखा है, 8 यहां दे रखा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दे रखा होगा, आप समझ रहे हो, इसके अंदर क्या कॉमन दे रखा है, सूप कॉमन दे रखा है, क्या दे रखा है, सूप कॉमन दे रखा है। अब 8 का हो गया सूप, अब फाइनली बचा गया यहां पर 9, 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेस्टी को, किसको, टेस्टी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 9, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और आगे आगे है आपका ये क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट तो कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी,
कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आप इसमें बहुत जल्दी और डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं छोड़ देता हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करें, ठीक है, अगला आगे मैं बताऊंगा बाद में, आप इसको कमेंट में आंसर दें आप इसका, ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। बताइएगा जल्दी से, ठीक है, चलो मैं फिर भी मैं ही बता देता हूं, आप इसे देखेंगे तो आप इसमें क्या है कि ये जो आपको इस तरीके से दे रखा है और यहां पर ये सर्किल इतना दे रखा है, इतना कर रखा है, इसे कट, और इसके बाद आप ये चीज देख रहे हो, इसकी ये वाली, तो ये जो डॉट आ रहा है ये सर्किल के बाहर आ रहा है, ये डॉट जो आ रहा है इस सर्किल के बाहर आ रहा है और इस लाइन के बिल्कुल पास आ रहा है, तो आप इस तरीके का ऑप्शन देख पा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, देखो पहले ऑप्शन में वो सर्किल के अंदर आ रहा है, पहले ऑप्शन में वो सर्किल के अंदर आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि ये किस में आ रहा है, सर्किल के बाहर ही आ रहा है, यानी इस तरीके की शेप आ रही है, इस तरीके की बिल्कुल सेम शेप आ रही है दूसरे ऑप्शन में देख रहे हैं तो आप, ठीक है। तीसरे की अगर बात करें तो अंदर आ रहा है, सर्किल के अंदर डॉटेड आ रहा है उसमें, और चौथे ऑप्शन में भी सर्किल के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, तो आप भी इनको किया करें क्वेश्चनों को, मैं आपको क्वेश्चन भी दिया करूंगा, आप मुझे कमेंट में आंसर किया करें क्वेश्चन का, ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं आपको, ठीक है। देखो ये बेनालिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैंने जैसे ही आपसे कहा था कि हर बार एक अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, हो सकता है कि क्वेश्चन आज थोड़े इजी रहे हो, लेकिन आगे आने वाली क्लास में क्वेश्चन इजी नहीं रहेंगे, पहली क्लास की आप इनको देखें और आप जुड़े यहां पर, पूरी टेस्ट सीरीज करें, जितने भी सीरीज कराऊंगा मैं सारी सीरीज को कंप्लीट करना, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटने वाला और आपको एग्जाम में 100% आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये आपका बेनारिक से रिलेटेड है, तो बेनारिक मैंने अभी खैर कंप्लीट सिलेबस वाले डिजिक में नहीं कराया, फिर मैं कुछ आइडिया आपको दे दूंगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया है आपको, इस क्वेश्चन में दिया है आपको कि नागरिक शिक्षित और मनुष्य, यानी नागरिक शिक्षित और मनुष्य, आपको क्या देखना होता है, तीन रिलेशन आते हैं, जबकि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इनमें क्या होता है, रिलेशनशिप होती है, एक तो ऑल का रिलेशन बनता है, यानी कि सभी के केस में दो एलिमेंटों को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक नो का रिलेशन बनेगा, यानी कि कोई नहीं का, कोई किसी में मर्जी ना हो, इसको मैं और अच्छे से कराऊंगा, आप मेरी जो चैप्टर वाइज क्लास चल रही है उनको देखते रहे, बहुत ही अच्छे लेवल से करा दूंगा मैं, और इसमें जो सम का रिलेशन बनेगा, यानी कि कुछ का, तो किस तरीके से रहने वाला है, इस तरीके से। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को समझें, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो सभी नागरिक, जितने भी नागरिक हैं सभी के सभी शिक्षित नहीं होते, सभी नागरिक शिक्षित नहीं होते, और जितने भी शिक्षित होंगे हम मान रहे हैं इस बात को कि सभी नागरिक क्या नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, लेकिन जितने शिक्षित नागरिक होंगे, यानी कि जितने भी शिक्षित होंगे तो सभी नागरिक, तो रिलेशन कैसा रहेगा इनमें, ऑल का, इन दोनों में कैसा रिलेशन रहेगा, सभी मनुष्य शिक्षित नहीं होते और ना कि सभी शिक्षित मनुष्य ही होते, देखो मेल और फीमेल का चक्कर तो रहता ही है, ठीक है। अब यहां पर ये कह सकते हैं कुछ शिक्षित मनुष्य होंगे और कुछ मनुष्य शिक्षित होंगे, सभी नागरिक मनुष्य नहीं होंगे, क्योंकि महिला कहां जाएंगे फिर से, अगर सभी नागरिक ही हैं तो मनुष्य, तो नागरिक के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही होंगे, इसका मतलब यहां पर कैसा रिलेशन आएगा, जितने भी मनुष्य होंगे सभी नागरिक, जितने भी नागरिक है वो सभी मनुष्य रहेंगे, लेकिन जितने भी मनुष्य हैं, यानी ऑल मैन आर सिटीजन, ठीक है, सभी मनुष्य नागरिक होंगे, इसका मतलब यहां पर रिलेशन आएगा ऑल का, तो टू और एक सम का रिलेशन कैसे बनेगा, एक सम, अब दोनों में क्या होना है, एक तो सम लाना है, एक हम सम ले आए, दोनों में क्या लाना है, ऑल लाना है, ऑल आ गया तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो गया बी, ऑप्शन आंसर हो गया आपका बी। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अब आ गया ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का, ठीक है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, कॉपी हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है,
समझिएगा, जब ब्लड रिलेशन का चैप्टर चले तो मेरा मानना है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर पढ़ें सारे चैप्टरों को, और फिर आप किसी भी बुक को उठाएं आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, अब सर किसी फोटोग्राफी की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति अपने पुत्र को सॉरी अपने मित्र को बताता है कि वह मेरे पिता के बड़े भाई की पुत्री, यानी कि एक फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये हो गया फोटो, क्या है ये एक फोटोग्राफ, और एक फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र को बताता है, यानी कि ये कोई व्यक्ति है, प्लस बनाते हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए माइनस, ध्यान रखना हमेशा, ये व्यक्ति है और अपने एक मित्र को बताता और कहता है क्या कि वह कौन जो फोटो है वह मेरे पिता के बड़े भाई, यानी कि ये जो फोटो है ये फोटो वाली जो फोटो में दिखाया है इसके बारे में इसको इंगित करते हुए कह रहा है वह मेरे पिताजी आते एक जनरेशन ऊपर, ठीक है, मेरे पिता के बड़े भाई यानी कि मेरे पिताजी के भाई ही हो गए। ठीक है, मेरे पिता के बड़े भाई की पोत्री, पोत्री का मतलब होता है भैया पुत्र की पुत्री, यानी कि कोई इनका पुत्र होगा और जो इनका पुत्र होगा वो इसका कजिन होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके पिताजी के भाई कौन होते हैं, बाबा का लड़का है, सॉरी मेरे पिताजी के, इसने बोला सॉरी दोबारा से देखें फोटो की ओर इंगित करते ये कह रहा है कि वह मेरे पिता के बड़े भाई, यानी कि इसके कौन होंगे, ताऊ का लड़का, ताऊ बोले जाते हैं लेकिन यहाँ पर भाई मान लो ताऊ ही होते हैं ना पिताजी के बड़े भाई, तो हो गए ताऊ और ताऊ का क्या है ये पिताजी के बड़े भाई की पोत्री है, यानी कि बड़े भाई के पिताजी के बड़े भाई की पुत्री, इसका मतलब ये इसके पिताजी के बड़े भाई इसकी पुत्री का मतलब होता है पुत्र की पुत्री, यानी कि यहां पर कौन आएगा ये फोटो, यहां पर क्या आएगा ये फोटो आएगा, और इसका मतलब इसको अगर हम देखें तो इसने पुत्री का मतलब होता है पुत्र की पुत्री। ठीक है, और आगे जब इस क्वेश्चन में बोला फोटोग्राफ में दर्शित हुआ लड़की इस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, तो इससे पूछा है इससे ये किससे संबंधित है, तो आप एक बात समझे ये कौन है इसके पिता के बड़े भाई, ताऊ मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ये कौन है इसके जब ताऊ का लड़का इसका कौन होगा भाई ही होगा, और भाई की लड़की कौन होगी भतीजी, और ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और इतना इजी नंबर फ्री के मिलते हैं अगर पढ़ने वाले होते हैं तो। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लास्ट क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो मेरा मानना है आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट में आंसर करें जिससे पता तो चले कि कौन कौन वीडियो को पूरी देख पाता है या फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं आप रियल में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका आंसर देंगे, चाहे भले ही आप इसका गलत आंसर क्यों ना दें, तो प्लीज 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 आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करें। ठीक है, और आज की हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो भैया मेरा कहना है आपसे कि मैं सारी चीजों को आपको कराऊंगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा, और चैप्टर वाइज जो क्लास करा रहा हूँ ये समझ लो मैं बिल्कुल मास्टर रीजनिंग की तरह करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि आप उन प्लेलिस्ट में जाकर सारी चैप्टरों को अच्छे से पढ़ें, अपना चैप्टर वाइज अपनी किताबों से क्या करें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू निकालें, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, रीजनिंग की तरफ से तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज हम यही समाप्त करते हैं इस क्लास को, और देखो भैया वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है यार, दोस्तों को अपनों को बताइए यार कि रीजन की क्लास है भाई, यहाँ चल रही है, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आज बस इतना ही कहना चाहूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।